अनान्या शनाया, आज से आप दोनों सियान के साथ प्ले करोगे, इसको अकेले नहीं छोड़ोगे। ठीक है। सियान ते को पता है मेरी फ्रेंड है पूजा, मैं सिर्फ उसी के साथ ही खेलूंगी और किसी के साथ नहीं खेलूंगी। हाँ, और मेरी फ्रेंड है नेहा, मैं सिर्फ उसी के साथ खेलूंगी और किसी के साथ नहीं खेलूंगी। अगर तू चाहता है पूजा और नेहा के पास एक छोटा भाई है मिंटू, मैं तेरे उससे दोस्ती करा देती हूँ। हाँ ठीक है, मेरी दोस्ती करवा दो। पूजा, नेहा। हाय शनाया। हाय अनन्या। पूजा, ये है मेरा छोटा भाई सियान, इसके पास कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम अपने छोटे भाई मिंटू से इसकी दोस्ती करा दोगी? हाँ ठीक है, जरूर मिंटू। हाय सियान। आप लोग किससे बातें कर रहे हो? मैं नेहा के साथ खेल रही हूँ। और मैं पूजा के साथ। और मैं मिंटू के साथ। पहले पूजा, नेहा और आप मिंटू, ये कौन है? मैं पागल हो गई हूँ जब से इस घर में आए। अब मेरी बात सुन लो, अगर दोबारा इस घर में पूजा, नेहा या मिंटू के बारे में बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी मम्मा बहुत गुस्सा हो रही है, अब हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। हाँ, अब हम तुमसे ये दोस्ती नहीं रख सकते। हमने तुमको पहले ही कहा था, अगर तुमने ये दोस्ती कर ली तो तुम ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ सकते। ऐसा मत बोलो, हमारी मम्मा को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। ये करने की सोचना भी मत, हम तुम्हारी मम्मा को भी देख लेंगे और तुमको भी। बेटा एक चम्मच पकड़ाई हो? भाभी ड्रॉ में है। अरे अरे, चम्मच से कट गया क्या भाभी? चम्मच से मेरा हाथ कट गया? अच्छा बता, आटा कहाँ रखा है? भाभी ऊपर है। क्या हुआ? ये डोर यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं भाभी, मैंने तो आटा ऊपर ही रखा था। हे भगवान, इस घर में हो क्या रहा है? भाभी मैं ना इस घर में काम नहीं करूंगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ। अरे 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 सुन तो, इस घर में कुछ नहीं हो रहा, मैं भी तो हूँ ना, जा जा, कोई बात नहीं। क्या हो गया? मम्मी कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है हमारे घर में बहुत बड़ी कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने चम्मच निकाला, चम्मच से मेरा हाथ कट गया। मैं वहां से आटा निकाल रही थी, वहां से अंदर से डॉल निकली। क्या हो गया? रमनीक, रमनीक वो डॉल आपके सिर पे बैठी है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी सोने का टाइम हो गया, चलो आओ। पापा मुझे ना डर लग रहा है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? आओ आप मेरे साथ सो जाओ। मैं ना पानी पीकर आती हूँ। आप तो सो गए थे बेटा। मामा मुझे ना भूख लग गई, कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा चलो आप बैठो, मैं देखती हूँ। ये लो बेटा, मैं ना सोने जा रही हूँ। फिर शनाया को भूख लग गई है, मैं उसको भी बिस्किट देकर आई हूँ खाने के लिए। किसको भूख लग गई? शनाया को। ये कौन है फिर? रमनीक, रमनीक शनाया मेरे पास आई थी, उसने मुझसे खाना मांगा, मैंने उसको अपने हाथ से बिस्किट दिए, अब मैं देखा ना वो सारे बिस्किट खत्म है। मेरा विश्वास करो रमनीक, वो आई थी। मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, मैं अभी एक बार डॉक्टर से भी बात करता हूँ, ठीक है? तुम लेटो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, अभी ना मेरी वाइफ फेंट होके गिर गई। अब कुछ ठीक लग रहा है? या पकड़ो, मैं बाहर की ना लाइट्स बंद करके आती हूँ। हेलो
हाँ भाई साहब, रमनीक बोल रहा हूँ। हाँ रमनीक, हमने आपसे ये घर लिया है। भाई साहब मुझे सच सच बताओ, इस घर के अंदर ऐसा क्या है? मेरी बीवी दो बार बेहोश हो चुकी है, उसको पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। वो बोल रही है बच्चों को, तीन तीन बच्चे अलग अलग दिख रहे हैं, ये हो क्या रहा है भैया? भाई साहब आपसे पहले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, उनके भी तीन बच्चे थे, वो पूरी फैमिली कहाँ गायब हो गई आज तक पता नहीं चला। भाई साहब ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। क्या हुआ? क्या हो गया था? रमनीक बाहर शनाया, रमनीक। शनाया? शनाया तो मेरे साथ हो। रमनीक बाहर शनाया। शनाया? बेटा ये कौन थी? पापा वो पूजा थी। हे भगवान, चलो बेटा तुम सो जाओ। बाहर तो दो शनाया थी। मैं भी तो आपको यही कह रही थी, मैं बाहर गई तो दोनों शनाया बातें कर रही थी। तो मुझे शुरू से बताओ ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? रमनीक हम जब से इस घर के अंदर आए हैं ना, और फिर उसके बाद वो सुष्मिता आई। कोई बात नहीं, अभी तुम सो जाओ। मैंने अभी जिससे जगह खरीदी थी ना उसको भी फोन किया था। अच्छा, तुम्हें सुबह बताता हूँ, अभी तुम सो जाओ। मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ। क्या हुआ? रमनीक, मैं भी वॉशरूम गई, मैंने हाथ धोए, मैं हाथ धो के आगे बढ़ी, मगर शीशे में मैं वही नजर आ रही हूँ। ये कैसे हो रहा है रमनीक? मुझे बहुत डर लग रहा है। रमनीक मुझे नहीं रहना है इस घर में, चलो अब। तुम सो, अभी सो, सुबह देखते हैं, सो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी सो। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मैंने भैया को बोला है, भैया कह रहे हैं मैं कुछ करता हूँ। तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? बहुत होशियार रहना। तेरे साथ अगर कुछ गलत हो तो सीधा मेरे पास आना, जी। ठीक है? हाँ जी। भाभी, मेरे को ऐसे लगा मेरे पीछे कोई था। अच्छा? हाँ जी। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं यहीं बैठी हूँ, तो अपना ध्यान रख बस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भैया, भाभी दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। भाभी, भैया। ये तो सुष्मिता की आवाज लग रही, मैं देखता हूँ। क्या हुआ बेटा? भैया मेरे कमरे में भूत है। अच्छा आओ चलो, मैं देखता हूँ। नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे आओ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आओ। भैया मैं यहाँ पे सोई थी, ऐसा लगा कि पीछे मैं ही हूँ। तू घबरा मत बिल्कुल, तू आराम से सो जा, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताइयो, मैं साथ वाले कमरे में ही हूँ। इस टाइम कौन आ गया? रात का टाइम है, मैं देखता हूँ। भैया बेटा, तुम तो 3 महीने बाद आने वाली थी। वो मेरे ना कॉलेज की छुट्टियां हो गई 1 महीने के लिए, मैं जो आपको सरप्राइज दे देते हैं तो मैं आ गई।
सरप्राइज सुष्मिता। हाँ जी भैया। बेटा दीदी आई है, जरा पानी पिला दो। भैया मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरे में बहुत डर है। पानी लाओ, मैं तुमसे बाकी बात करता हूँ, जाओ थोड़ा पानी ले लो। ये क्या बोल रही थी, ये क्यों बोल रही है ऐसे, क्या हो गया इसको? अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। सुष्मिता चाय बना दे बेटा। अरे वो तो सुबह से ही नहीं नजर आई। सुबह से ही नजर नहीं आई? सुष्मिता ये तो बेहोश है। सुष्मिता उठा। सुष्मिता भी मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को अस्पताल ले चलो। हाँ हाँ सुष्मिता सूप लेके आओ। सुष्मिता इसके बाद ना सूटकेस में से मेरा सामान निकालने में मेरी मदद कर देना। आ जाओ बेटा आ जाओ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है सब ठीक है। कहाँ से आ रहे हो भैया? सुष्मिता कल रात को बेहोश हो गई थी, मैं भी उसको डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर ने बोला उसकी तबीयत। बोल रहे हो भैया, वैसा हो ही नहीं सकता। उसने मुझे अभी सूप दिया है, मेरा सारा सूटकेस उसने अनपैक करा है। क्या बोल रहे हो आप? क्या? अरे तेरे को पता है इस घर में हो क्या क्या रहा है? क्या हो रहा है भैया? शनाया है ना अपनी, वो कह रही है कि मैं किसी पूजा के साथ खेल रही हूँ, जबकि यहाँ पे कोई है ही नहीं। अनान्या कह रही है मैं किसी नेहा के साथ खेल रही हूँ, और सियान किसी मिंटू का नाम ले रहा है। कैसी बातें कर रहे हो भैया, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। मुझे मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने अपनी आंखों से दो शनाया को अपने सामने देखा है। क्या बोल रहे हो भैया, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानती ये सब। मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। अरे भाभी मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है। क्या खाना? मैं तेको ऑलरेडी पहले 4 बार ही खाना दे चुकी हूँ। मैंने नहीं खाया, इसने खाया है। मैंने नहीं खाया, इसने खाया होगा। क्या बोल रही है तुम? मैंने नहीं खाया, इसने खाया होगा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ मैं तैयार हो रही हूँ। शनाप गो। अभी ये क्या है, अब मैं यहाँ पे आराम से तैयार भी नहीं हो सकती। बार बार शनाया के मुझे तंग करी जा रही है। शनाया तंग कर रही है? हाँ जी बेटा, वो तो सो रही है। क्या बोल रहे हो आप, अभी 1 सेकंड पहले आई है, मुझे तंग करके गई है। आजा मैं तेरे को दिखाऊं। ये देखो शनाया, ये 1 घंटे से सो रही है। क्या भाभी ये कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है इस घर में? हे भगवान। मुझे ना लग रहा है बाथरूम में कोई है। अभी ना मैं मुँह धो रही थी तो मैं शीशे में थी भी और नहीं भी थी। मैंने मुँह धो लिया, मैं बाहर गई हल्का सा बाथरूम के, फिर भी मैं शीशे में दिख रही थी भाभी। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनायता मैं सच बताऊँ, कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बाथरूम में थी, अपने आप को शीशे में देखा, 2 कदम बढ़ाए और शीशे में मैं ही थी। मैं तो खुद इतनी डरी हुई हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब से हम इस घर में आए रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। पूजा, नेहा, मिंटू, हमारी शक्लें, सुष्मिता, रमनीक ने 2-2 शनाएं देखी। मेरे को तो खुद बहुत डर लग रहा है। रुक मैं तेरे भैया से बात करती हूँ, तू घबरा मत। रमनीक आपको पता भी अनायता के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? वही जो सेम मेरे साथ हुआ था। कह रही मैं बाथरूम में गई, शीशे में मैंने अपने आप को देखा और मैं ही फ्रीज हो गई। क्या? हाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है रमी, कि हो क्या रहा है इस घर के अंदर। हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मुझे पूजा से बहुत डर लगता है और मुझे नेहा से बहुत डर लगता है। वो बोलती है मेरे दोस्त बनो, पर मुझे नहीं बनना उसका दोस्त, और मिंटू के साथ मैं कभी नहीं खेलूँगा। क्या हो क्या रहा है इस घर के अंदर, ये बच्चे भी परेशान हैं, सुष्मिता भी परेशान है, अनाहिता जो कि कल आई है वो भी परेशान है,
तो मुझे समझ नहीं आ रहा हमने इस घर में रहना ही क्यों है। और क्या, मैं कल ही उससे बात करता हूँ जिससे हमने ये घर खरीदा था। उसको बोलूंगा बेच इसको, हमें इस घर में एक दिन भी नहीं रहना। ये ठीक रहेगा। चलो चलो आओ चलो। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है। हुआ क्या बता तो सही। मैं तैयार हो रही थी तो मेरे पीछे शिनाया खड़ी थी, वो जा ही नहीं रही थी। मैंने उसे इतनी बार बोला, फिर मैंने ये भाभी को बताया और भाभी कह रही है कि शिनाया एक घंटे से सो रही है, जबकि वो मेरे पास ही थी एक सेकंड पहले। ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद मैं बाथरूम में गई, वहाँ पे मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मैं चली गई लेकिन मैं शीशे में फिर भी थी। पता नहीं भैया यहाँ पे क्या हो रहा है। बेटा बेटा मुझको तो पता ही है बेटा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। नहीं भैया मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती, मेरे को अभी जाना है यहाँ से। अरे बेटा टाइम तो देखो, इतनी रात हो गई है, इस टाइम कहाँ जाओगे। नहीं भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अभी जाना है। सुबह चले जाना, बच्चों से मिलके चले जाना, तुम आराम से सुबह चले जाना। नहीं भैया मैं अभी जा रही हूँ। अरे दीदी आप कहाँ जा रहे हो। शना मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने हॉस्टल में वापस, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। दीदी हमें छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। अनायता बच्चे भी बोल रहे हैं, भैया ने भी इतनी बारी बोला, तू हौसला रख, मुझे पता तेरे को डर लग रहा है, बेटा अभी मत जा। नहीं भाभी मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मेरे को जाना है। बेटा भैया भाभी दरवाजा नहीं खुल रहा, मैंने सब ट्राई कर लिया, लॉक नहीं खुल रहा दरवाजा, अब चलो मेरे साथ। ये क्या हो रहा है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये सुष्मिता है, सुष्मिता सुष्मिता बेटा सुष्मिता सुष्मिता सुष्मिता। मैं सुष्मिता नहीं हूँ, सुष्मिता जा चुकी है। तो तुम कौन हो, सुष्मिता कहाँ है, तुम क्या चाहती हो। मैं कांताबाई हूँ, ये घर मेरा है। हमें माफ कर दो, हम ये घर छोड़कर अभी चले जाते हैं, हमें बस जाने दो। अब तुम इस घर में से कहीं नहीं जा सकते, यहाँ आता इंसान अपनी मर्जी से है और जाता मेरी मर्जी से है।